हाय एवरीवन, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पोस्टमैन को यूज करके एपीआई स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। एपीआईज क्या हैं? एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्रामिंग, जो कि दो डिफरेंट इंटरफेसेस या सॉफ्टवेयर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। एपीआईज मोस्टली डेटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप इसको अपनी डेली लाइफ में रोजाना यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक में लॉग इन करते हैं गूगल के अकाउंट से। यहाँ पे गूगल की एपीआईज यूज की जाती हैं फेसबुक के अंदर, और गूगल आपका तमाम डेटा फेसबुक से शेयर करता है। APIs बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को दूसरे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करती हैं। इसको यूज़ करके आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स में नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं और उनको और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। पोस्टमैन एक टूल है जिसे हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग के लिए। इसको यूज़ करके हम अपनी APIs की डॉक्यूमेंटेशन और उनके रिस्पॉन्स को एनालाइज करके उन्हें ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। पोस्टमैन को यूज़ करके हम APIs की स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम APIs को एक्सट्रीम कंडीशन तक लेके जाते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि हमारी APIs कितना लोड हैंडल कर सकती हैं, और उसकी रिस्पांस की बेस पे हम एप्लीकेशन का रिस्पांस टाइम और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एप्लीकेशन में 20 यूज़र्स हैं तो आपकी APIs कैसे बिहेव करेंगी, और अगर 200 यूज़र्स आ जाते हैं तो वो उन APIs का रिस्पांस कैसा होगा। API स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सकते हैं। सो API टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जो एंड पॉइंट वो है JSON प्लेस होल्डर। बेसिकली ये फ्री एंड पॉइंट है जो कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपनी APIs को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करें, देन आप उनके एंड पॉइंट्स को टेस्ट आउट करें। लोकली आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आएगा और लाइव पे डिफरेंट आएगा। सो द बेस्ट अप्रोच इज यू शुड लाइक देम। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इनकी लिस्ट, जो कि टू डूज लिस्ट या कॉमेंट पोस्ट आप कुछ भी गेट आउट कर सकते हैं। लेट्स गो विद द कॉमेंट। ठीक है, तो हमारे पास तमाम के तमाम कॉमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, हमने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और अपने पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप पोस्टमैन को ओपन करेंगे तो आप इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं एंड पॉइंट को। जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास बेसिक स्टैट्स आ जाएंगे। तो टेस्टिंग के लिए हम जाते हैं कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। कलेक्शन पे जाने के बाद आपने रन पे क्लिक करना है, देन रन कलेक्शन। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट मेथड्स आए पे। यहाँ पे आपने जिन एंड पॉइंट्स को टेस्ट आउट करना है वहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। देन आप हम स्क्रिप्ट से टेस्ट करना है या मैनुअली टेस्ट करना है आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम जाएंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज को चेंज आउट कर सकते हैं, लाइक वर्चुअल यूजर्स एड ऑन कर सकते हैं, 20 यूजर अप टू, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द यूजर्स ऑफ योर एप्लीकेशन, लाइक कितने यूजर एट अ टाइम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सेट करते हैं टाइम 1 मिनट के लिए और इसे रैंप अप करेंगे, लाइक विद द टाइम इट विल कीप गेटिंग अप। ठीक है, और रन कर देते हैं। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखें तो इसका मतलब ये है कि ऐप रिस्पॉन्स टाइम इन मिली सेकेंड्स, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाता है उसका नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, इट स्टार्टेड विद द 70 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, बट उसके बाद उसने मूव ऑन किया 40-50। ठीक है, और जैसे ही ये स्टैट कंप्लीट होगा आपके पास इसकी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी। उसकी बेस पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमने रेडिस ऐड करना है इसमें कैशिंग के लिए, या कोई और सर्विस ऐड करनी ताकि हम अपने एंड पॉइंट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ग्राफ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, दूसरा ग्राफ नंबर ऑफ द यूज़र। अब हमारी एप्लीकेशन पे 20 यूज़र्स है। आप इसको एक्सट्रीम लेवल पर भी लेके जा सकते हैं, लाइक 20 से 200 यूज़र हैं तो क्या हमारे पास रिस्पांस आएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसे अगर स्टॉप करते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाती है, लाइक विद इन अ मिनट कितनी रिक्वेस्ट गई थी, कितने यूज़र्स को कितना रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हाँ, कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।